हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर थर्ड ऑफ सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे फॉस्फाजीन्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने सिलिकॉन्स की प्रिपरेशंस, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके स्ट्रक्चर्स एंड उसके जो यूजेस है उसको स्टडी किया है। यस स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीफॉस्फाजीन्स। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट पॉलीफॉस्फाजीन्स, फॉस्फाजीन्स। वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट पॉलीफॉस्फाजीन्स। ओके, नाउ देखिए, जो पॉलीफॉस्फाजीन्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सिलिकॉन्स एंड पॉलीफॉस्फाजीन्स वो क्या होते हैं आपके पास भाई, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, दीज आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ओके, इसके अंदर यदि इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट देखी जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज एन पी, और जो है आर, दो दो आर ग्रुप इसके ऊपर लगे होते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बीच में बॉन्डिंग है और फॉस्फोरस एटम के ऊपर टू आर ग्रुप्स यहाँ पर लगे होते हैं। यदि ये बार बार रिपीट होती है यूनिट, तो ये पॉलीफॉस्फाजिन्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि पॉलीफॉस्फाजिन्स के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एट कंटेन्स, क्या होगा यदि पॉलीमर यूनिट इसकी बन जाती है, यदि ये पॉलीमर फॉर्म करेगा तो क्या होगा, जो आपके पास एक नाइट्रोजन आएगा, फिर एक फॉस्फोरस आएगा, फिर एक नाइट्रोजन आएगा, फिर एक फॉस्फोरस आएगा, मतलब यहां पर इट कंटेन्स अल्टरनेट अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम्स एंड नाइट्रोजन एटम्स। इसके अंदर अल्टरनेट पोजिशन पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। पहली बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई। नाउ सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है कि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। ठीक है, यह विद टू सब्स्टिट्यूएंट, विद टू सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स जिसको आपने क्या बोला है, आर ग्रुप बोला है, ऑन ईच फॉस्फोरस एटम, ऑन ईच फॉस्फोरस एटम्स। ठीक है, हर एक फॉस्फोरस एटम के ऊपर दो आपके पास क्या लगे हैं, आर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप यहां पर है, यहाँ पर जो ये आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये क्या हो सकते हैं भी, दीज आर ग्रुप्स मे बी एनी ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, यूनिट हो सकती है। ठीक है, या कोई ऑर्गेनोमेटेलिक यूनिट हो सकती है, ऑर्गेनो मेटेलिक यूनिट यहाँ पर हो सकती है, या कोई इनऑर्गेनिक यूनिट यहाँ पर हो सकती है, या इनऑर्गेनिक यूनिट यहां पर हो सकती है जो कि फॉस्फोरस के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है भी, पॉलीफॉस्फाजिन्स के अंदर जो जनरल अनसैचुरेटेड जो इसके अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इट्स जनरल अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपके पास आई है वो क्या आई है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स, स्ट्रक्चरल यूनिट जो इसके अंदर है वो क्या है भी आपके पास, फॉस्फोरस एटम जो है, फॉस्फोरस एटम है, किसके साथ बॉन्डेड फॉर्म में है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है, और वो क्या करता है भी, नाइट्रोजन जो फॉस्फोरस जो है फर्दर किसी आर ग्रुप से अटैच्ड है, जो कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट हो सकता है, या कोई इनऑर्गेनिक पार्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, नाउ इसके अंदर देखिए, जो आपके पास मैक्रोमोलिकुलर फॉर्मेशन होती है, मतलब ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट थी और इससे क्या हुआ, आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा जो पॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, तो हर एक मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, इच मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, उस मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर कितनी यूनिट्स रिपीट होंगी, वो रिपीट होती है आपके पास 15,000 और मोर रिपीटिंग यूनिट, और मोर रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, 15,000 या उससे ज्यादा आपके पास माइक्रो, जो आप वो जो आपके पास सिंगल यूनिट है, ठीक है, सिंगल जो आपके पास माइक्रो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, कंबाइन होंगी और मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, रिपीटेड होती है, और रिपीटिंग कैसे होती है, लिंक करेंगे एक दूसरे से, लिंक्ड एंड टू एंड, एंड टू
एंड, जहां पर एक का एंड होगा वहां पे दूसरी यूनिट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपने क्या देखा, यदि 15,000 या उससे ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स यदि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो मोलिक्यूल का वेट आएगा, ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल आपके पास फॉर्म हुआ है उसका यदि मोलिक्यूलर वेट देखा जाए, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मोलिक्यूल्स, वो क्या होगा अभी आपके पास ज्यादा ही होगा, और वो कितना होता है यहाँ पर, आर इन द रेंज ऑफ, आर इन द रेंज ऑफ, उसकी रेंज यहाँ पर होती है आपके पास 2 मिलियन मोलर, नहीं वो पढ़ना है इसको, आप इसको मिलियन ही लिखो, 2 मिलियन टू 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर देखा कि भाई जो आपके पास पॉलीफॉस्फाजिंस है वो एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जिसके अंदर फॉस्फोरस नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशंस में प्रेजेंट होते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 R ग्रुप्स जो या 2 सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर लगे होते हैं, दैट सब्स्टिट्यूएंट में बी एनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गनोमेटेलिक यूनिट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट, इसकी अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपने यहाँ पर देखी वो क्या देखी है यहाँ पर, दैट इज हियर पी, फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करके आप यहाँ पर शो होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ जो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होता है, मतलब पॉलीमर फॉर्मेशन के बाद जो बड़ा सा मोलिक्यूल फॉर्म होगा उसका जो उसके अंदर कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसके अंदर क्या है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऊपर 2 R ग्रुप्स, ठीक है। तो वो जो है कितनी यूनिट्स रिपीट होती है, 15,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो कैसे लिंक्ड होती है एक दूसरे से, एंड टू एंड एक दूसरे से लिंक्ड होती है। यदि मोलिकुलर वेट की बात की जाए इन मैक्रोमोलिकुलर मोलिक्यूल्स की, तो वो लाई करते हैं इन द रेंज ऑफ 2 मिलियन टू 10 मिलियन्स। नाउ यदि हम देखें इसके अंदर कि जो कॉमन आपके पास पॉलीफॉस्फाजिंस हैं, ठीक है, यदि बात की जाए कि कॉमन पॉलीफॉस्फाजिंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो कॉमन फॉस्फाजिंस, फॉस्फाजिंस आकर इन द, या वी कैन से एग्जिस्ट, वो 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो फॉर्म्स कौन सी होंगी भी आपके पास, फर्स्ट वन इज यहाँ पर आएगी आपके पास लीनियर पॉलीमर, ठीक है। सेकेंड वन इज हियर ट्राइमरिक बोल देंगे आप, या आप उसको बोल सकते हो साइक्लिक ट्राइमर, नाम से ही सजेस्ट होगा। एंड थर्ड वन जो है आपके पास वो है साइक्लिक टेट्रामर, टेट्रामर, ठीक है। इन 3 फॉर्म्स के अंदर जो है कॉमन फॉस्फाजिंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर किसको देखेंगे, लीनियर पॉलीमर को, लीनियर पॉलीमर, ओके। तो देखिए जो लीनियर पॉलीमर है उसके अंदर हमने क्या कहा है भाई, लीनियरली यदि आपके पास जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बार बार रिपीट हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट आपके पास क्या थी, स्ट्रक्चरल यूनिट आपके पास थी नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के ऊपर Ne2 R ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये 2 R ग्रुप प्रेजेंट है। यदि ये यूनिट्स एन टाइम्स रिपीट हो जाए, ठीक है, एन टाइम रिपीट्स होंगी तो क्या फॉर्म करती है, लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। लाइक मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेशन इसके दिखाऊं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस, देन आपके पास आर ग्रुप्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, अगेन यदि ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन, फिर अगेन फॉस्फोरस, एंड टू एंड इसकी क्या होती जाएगी आपके पास रिपीटेशन होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होते जाएंगे, मैंने इसको एन टाइम रिपीट किया तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। नाउ सेकेंड जो हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड डिस्कशन क्या था कि आपके पास लीनियर हमने देख लिया पॉलीफॉस्फाजिंस क्या होते हैं, यदि हम देखिए दूसरा जो पॉलीफॉस्फाजिंस जिसको हमने बोला है साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर्स, तो देखिए साइक्लिक का मतलब तो आप सबको पता है कि साइक्लिक फॉर्म में मिलेगा, ट्राई मीन्स का क्या होता है आपके पास थ्री, मर मीन्स क्या होती है आपके पास यूनिट्स, ठीक है। जिस भी पॉलीफॉस्फाजिन के अंदर 3 यूनिट्स आए, और कैसी आई, वो आपके पास साइकिल के अंदर आती है, दैट इज द साइक्लिक ट्राइमर्स, ठीक है। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास फॉस्फोरस है, ठीक है, थ्री यूनिट्स है ना,
यहाँ पर आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आपने बोल दिया कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है और R, और R ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द बेसिक यूनिट। ओके, तो बेसिक यूनिट को यदि मैं 3 times रिपीट करूंगी तो एक फॉस्फोरस, एक जो आपके पास फॉस्फाजिन यूनिट है उसके अंदर क्या है, 1 pig है। तो आपके पास यदि मैं 3 units बोलूँ तो आपके पास क्या हो जाएंगी भाई, 3 units के अंदर 3 phosphorus atoms प्रेजेंट होंगे। तो मैंने उनको यहाँ पर लिखा 3 phosphorus। नाउ ऐसे जैसे 3 phosphorus थे ऐसे ही आपके पास क्या, 3 nitrogen प्रेजेंट होंगे। तो 3 ही nitrogen मैंने लिखे आपके पास। ये स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है उस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। नाउ आप इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। यदि मैं फर्स्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करूँ कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या मिलेगी, सेकेंड टाइम आपके सिंगल बॉन्ड, देन आप इसको इजिली जो है इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है आपके पास, 2 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो मैंने हर एक फॉस्फोरस के ऊपर 2 R ग्रुप्स की जो है रिप्रेजेंटेशन कर दी है। तो 2 R ग्रुप आपके पास यहाँ हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो, यदि देखें हम तो आपके पास, मैं यदि फर्स्ट फॉस्फाजिन यूनिट की बात करूं तो वो क्या है आपके पास, दिस वन, ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन का बॉन्ड है, फॉस्फोरस के ऊपर 2 R ग्रुप लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट यूनिट होगी। सेकंड की यदि बात की जाए तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन का बॉन्ड है, हर एक फॉस्फोरस के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास फॉस्फोरस नाइट्रोजन है, 2 R ग्रुप लगे हैं, नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 3 monomer unit जो है, ठीक है, 3 monomer unit कंबाइन होकर एक साइक्लिक की फॉर्मेशन कर रही है, उसको हमने कहा कि ये क्या है भाई, आपके पास साइक्लिक ट्राइमर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इजीली आप इसको दिखाएंगे तो आपके पास क्या, फॉस्फोरस हैविंग 2 R units, इट हैविंग डबल बॉन्ड, देन आपके पास क्या आता है, आपके पास सेकेंड फॉस्फोरस यूनिट, फिर उसके बाद उसके साथ भी क्या है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है, देन उसके बाद क्या दिखाते हो आप, यहाँ पर आपके पास आ जाता है एक नाइट्रोजन एटम्स जो क्या होगा आपके पास डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास इजिली जो है आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर यूनिट को बार बार रिपीट कर दीजिए, कितने बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, तो यदि उसने साइकिल की फॉर्मेशन की और कितने यूनिट लिए, 3 units, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, साइक्लिक ट्राइमर्स। ओके, साइक्लिक ट्राइमर के बाद जो नेक्स्ट आपके पास फॉस्फाजीन है दैट इज साइक्लिक टेट्रामर, साइक्लिक टेट्रामर, साइक्लिक टेट्रामर यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर भी आप इजिली शो कर सकते हो, साइक्लिक फॉर्म में मिलेगी, टेट्रा मीन्स आपके पास होता है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, मर का मीन क्या होगा आपके पास, 4 units। ठीक है, तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इसकी है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस R एंड R ग्रुप इसके ऊपर लगे रहे हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, 4 times ले लीजिए, इन 4 time यूनिट को लेंगे तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपके पास करके देते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट ली, लाइक मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस लिया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगे हैं भाई आपके पास, 2 R ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, नाउ सेकेंड देखें हम, तो सेकंड के केस में आपके पास क्या आता है भाई, यहाँ पर सेकंड यूनिट मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की कि आपके पास फॉस्फोरस है, ओके, और उसके ऊपर अगेन क्या लगी हुई है, 2 R ग्रुप लगी हुई है, यस, मैंने दोनों R ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नाउ इस फॉस्फोरस ने किसके साथ बॉन्डिंग की है, इसने बॉन्डिंग की है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, यही तो था, इसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म हो गई, तो ये आपके पास यहाँ फॉर्म हो गया। दूसरी सेकेंड आपने यूनिट ले ली है, थर्ड यूनिट जब आप यहाँ पर लेते हो, ठीक है, तो थर्ड यूनिट के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, थर्ड यूनिट के फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, और यहाँ पर कितने R ग्रुप्स प्रेजेंट है, अगेन यहाँ पर 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, देन यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर प्रेजेंट है फॉस्फोरस की बॉन्डिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये नेक्स्ट फॉस्फोरस के फॉस्फोरस एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो इसने फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग की, फॉस्फोरस के ऊपर आपको पता है कितने R ग्रुप लगे थे, वो यहाँ पर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका जो एक नाइट्रोजन है उसने इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो फोर्थ का जो नाइट्रोजन है उसने फर्स्ट के फॉस्फोरस के साथ क्या कर लिया है, बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यदि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करो, यदि मैंने कहा दिस वन इज द फर्स्ट यूनिट, यदि ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, सेकंड यूनिट फॉस्फोरस की ये हो गई,
थर्ड यूनिट ये हुई और फोर्थ यूनिट ये हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का जो नाइट्रोजन है उसने सेकंड के फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग की है, यही तो आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पर फर्स्ट के नाइट्रोजन ने सेकंड के फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग की है, ऐसे ही सेकंड के नाइट्रोजन ने थर्ड के फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग कर ली है, देन थर्ड के फॉस्फोरस ने सॉरी नाइट्रोजन ने जो है फोर्थ के फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग की है, देन फोर्थ के फॉस्फोरस नाइट्रोजन ने जो है फर्स्ट के फॉस्फोरस से बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फोर स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट को हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो यहाँ पर ली और फोरों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ, ठीक है। तो फोर जब आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, फोर जो आपके पास मोनोमर यूनिट आ जाए, ठीक है, और वो किसकी फॉर्मेशन कर दे, साइकिल की फॉर्मेशन करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे दिस वन इज द साइक्लिक टेट्रामर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइक्लिक टेट्रामर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। नाउ देखिए जो आपके पास पॉलीफॉस्फाजेन्स है, पॉलीफॉस्फाजीन को हम दूसरा नाम यहाँ पर बोलते हैं फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, क्या बोला जाता है, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, कब बोला जाएगा फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, कि जब मेरे पास, जब मैंने बेसिक यूनिट आपके पास यहाँ से उठाई, क्या उठाई थी, कि आपके पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस है और उसके ऊपर ये दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से था कि यदि आपके पास क्या है, नाइट्रोजन था, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया टू आर ग्रुप को, ठीक है। ये था आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। अब यदि यहां से क्या कर दिया जाए, ये जो यहाँ पर आर ग्रुप है, इन आर ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया जाए, किसके थ्रू रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ पर यदि आर ग्रुप क्या आ जाता है, आपके पास फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, इस तरह के यदि आपके पास ग्रुप आ जाते हैं इसके ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सपोज ये मैंने क्लोरीन से इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है आर ग्रुप की, तो ये इस तरह का यदि कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ठीक है। पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड बोलने का यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए पॉलीफॉस्फोरिक नाइट्रिक कंपाउंड बोलने का यहाँ पर रीजन ये है कि जब आप क्या देखते हो, आपने फॉस्फाजिन्स देखिए, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक देखा ना, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपके पास दो क्लोरीन एटम है, ठीक है, वो किस पे जुड़े हुए हैं, आपके पास फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वो किसके साथ जुड़े हैं, फॉस्फोरस के साथ जुड़े हैं। यदि नाइट्रोजन लोन पेयर दे देता है तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही एक बॉन्डिंग आपको देखने मिलती है नाइट्रेलिक कंपाउंड के अंदर, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइल कंपाउंड है ये, दिस इज द ऑर्गेनिक नाइट्राइल कंपाउंड, आप सभी को पता है दिस वन इज द नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख पा रहे हो, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर आपने किसके अंदर देखी, दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर देखी ऐसी आपने किसके अंदर देखी है, आपने देखी है पॉलीफॉस्फाजीन्स के अंदर, जिसको इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स। तो जो आपने फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स देखे, ठीक है, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड के अंदर आपने कह दिया कि आपके पास क्या होगा, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें आपने आर ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया है, तो उस केस में यदि आप उसका जर्नल फॉर्मूला देखेंगे, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला वही है, ओनली आपने क्या कर दिया, आर ग्रुप था उसकी जगह क्या ले आए हो आप, उसकी जगह सपोज कीजिए क्लोरीन को ले आए हो, तो Cl2 इसकी फॉर्मेशन हो गई, बार बार स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट होती है, तो मैंने उसको लिख दिया एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये जो एन है यहाँ पर नंबर कितने हो सकती है यूनिट्स, वो यूनिट्स यहाँ पर आ सकती है 3 to 7 एंड ऑनवर्ड्स, और भी फालतू इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो कहता है कि आउट ऑफ, यदि आप क्या देखते हो, इसी तरह से जैसे आपने ट्राइमर और फॉस्फोरस की ट्राइमर की फॉर्मेशन की थी, कि यदि मैं इसको इस तरह से फॉर्मेशन कर दू NpCl2 ट्राइस हो गया, तो ये आपके पास क्या फॉर्म कर देगा, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म करेगा, इसी तरह से NpCl2 मैंने 4 कर दिया, तो ये क्या कर देगा, टेट्रामर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपके पास ट्राइमर और टेट्रामर है वो किस तरह से जो है प्रिपरेशन इनकी की गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो प्रिपरेशन की गई थी वो की थी आपके पास वोलर एंड रोजर ने, वोलर
एंड रोजर ने, ठीक है, रोज, सॉरी नॉट रोजर, रोज किस कब की थी, 1834 के अंदर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप क्या लिखते हो, PCl5, ठीक है, उसकी रिएक्शन यहाँ पर करवा दी उन्होंने अमोनिया के साथ, या अमोनिया की जगह उन्होंने लिया था, आपके पास ले सकते हो आप अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो बाय द एलिमिनेशन ऑफ HCl, ठीक है, यहाँ पर टेट्रामर, ट्राइमर और लीनियर पॉलीमर का मिक्सचर जो है उनको वहां पर ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। किस तरह से फॉर्मेशन हुई देखिए इनकी, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ ट्राइमर की, ठीक है, तो ट्राइमर के केस में क्या है, तीन फॉस्फोरस यूनिट आपके पास हो जाएंगे, फॉस्फाजीन यूनिट्स ली, नाइट्राइल आप बोल लेंगे इसके अंदर क्योंकि सीएल प्रेजेंट है, तो तीन लिया, और उसके बाद क्या है भाई आपके पास, हर एक फॉस्फोरस के अंदर क्या है, एक एक क्या ग्रुप प्रेजेंट है, एक एक ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इस तरह से, ये आपके पास इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो, डबल बॉन्ड एन और ये, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहां पर आर ग्रुप था, यहाँ पर सीएल ग्रुप लग गए हैं, फॉस्फोरस के ऊपर सीएल ग्रुप लग गए हैं, फॉस्फोरस के ऊपर सीएल ग्रुप लग गए, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, ये फॉर्म हुआ था साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है। जैसे फॉस्फोजिन के अंदर फॉर्म हुआ था, ऐसे ही नाइट्राइल के अंदर भी, जब PCl5 को इसके साथ रिएक्ट किया हुलर एंड रोज ने, तो उन्होंने ये पाया, साथ ही साथ उन्होंने क्या पाया, पाया टेट्रामर भी फॉर्मेशन, टेट्रामर भी यहाँ पर पाया। टेट्रामर कैसे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, फॉस्फोरस जो है फोर यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पर टेट्रामर है तो, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास नाइट्रोजन है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वन, देन ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड अगेन क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड एन, और इसका भी क्या होगा, डबल बॉन्ड एन, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, पीएन पीएनपी बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे हमने कहा था, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आएंगे आपके पास, सीएल यूनिट्स आएंगे, तो ये सीएल यूनिट्स हो जाती है, दो दो सीएल जो है हर एक फॉस्फोरस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर ये भी मिला, ठीक है, इसको उन्होंने क्या बोला, साइक्लिक टेट्रामर, ठीक है। प्लस में क्या मिलता है उनको, लीनियर मॉलिक्यूल भी मिला। लीनियर के केस में आप क्या बोलोगे, लीनियर के केस में आपके पास क्या है, फॉस्फोरस है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है भाई, नाइट्रोजन है, और दो Cl2 प्रेजेंट है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, बार बार रिपीट होती रहती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एनो यूनिट बोल सकते हो, तो ये क्या बन गया आपके पास, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास क्या है, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर भी साइक्लिक टेट्रामर, ट्राइमर और लीनियर पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ ही साथ फॉस्फाजिन्स के अंदर भी जो है तीनों की फॉर्मेशन होगी, साइक्लिक एज वेल एज लीनियर फॉर्मेशन जो आपके पास पॉलीमर्स की हो जाती है, ठीक है। नाउ यदि हम क्लोरोफॉस्फाजिन्स लेते हैं, क्लोरोफॉस्फाजिन्स लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, यदि हीट करते हैं तो उससे आपके पास यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, एक इलास्टोमेरिक मटेरियल की, किसकी फॉर्मेशन होगी, एक इलास्टोमेरिक मटेरियल की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। इस इलास्टोमेरिक मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक रबर, इनऑर्गेनिक रबर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफॉस्फाजीन होता है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, लाइक दैट ऑफ बेंजीन, ठीक है। नाउ यदि हमने, जैसे हमने क्लोरोफॉस्फाजीन की फॉर्मेशन की है, इसी तरह से हम और भी डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोनाइट्रेलिक डेरिवेटिव्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फॉस्फो नाइट्रेलिक और भी डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन की जा सकती है। डेरिवेटिव्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, लाइक यदि मैंने क्या किया, यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल बेसिक जो थी वो तो क्या था, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। यदि मैंने क्या किया, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लिया, Br2 ले लिया, ठीक है, तो ये किसका क्या बन जाएगा भाई आपके लिए, ब्रोमाइड डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा, ये ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड डेरिवेटिव की तरह ही आप और भी फॉर्मेशंस कर सकते हो, लाइक मैंने कहा मिथाइल का डेरिवेटिव यदि फॉर्म कर दिया जाए, आपके पास फॉस्फोरस नाइट्रोजन है, क्लोरीन की जगह आपने क्या लिख लिया, आपने मिथाइल लिया, लेकिन मिथाइल हियर 2, ठीक है, 2 आपके पास आपने क्या लिए, मिथाइल लिए, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, दिस वन बिकम्स मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फाजीन, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फिनाइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशंस कर सकते हो, फिनाइल डेरिवेटिव में क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम है, लेकिन आपने क्या कर दिया, मिथाइल की जगह 2 फिनाइल यूनिट्स ले ली है,
ठीक है। यदि इस तरह से हम इसके पॉलीमर्स फॉर्म करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, फिनाइल डेरिवेटिव्स। ये क्या बन जाएगा आपके पास, फिनाइल डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फिनाइल क्लोरो डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, फिनाइल नाम के अकॉर्डिंग ही आपके पास हो गया फिनाइल क्लोरो डेरिवेटिव। इसका मतलब देखिए, आप फॉस्फोरस के ऊपर 2 यूनिट्स लगा सकते थे, ठीक है। हमने कहा ये तो फिक्स है, इसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस का बॉन्ड तो यहाँ पर क्या है, फिक्स है, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो फिक्स है। अब आप इसके फॉस्फोरस के ऊपर 2 यूनिट्स लगा सकते थे, इस फॉस्फोरस के ऊपर 2 यूनिट्स लग सकती थी। तो यहाँ पर 1 यूनिट तो इसने लगा दी फिनाइल की, और दूसरी किसकी लगा दी है, क्लोरीन की, ठीक है। तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म हुआ, ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, फिनाइल क्लोरो डेरिवेटिव। दिस इज एन नॉट ईटा, ठीक है। आप इसको ईटा नहीं पढ़ेंगे, दिस इज एन, ठीक है। एन टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो आपके पास जो है इसके फिनाइल क्लोरो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी फॉस्फाजिंस की। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था पॉलीफॉस्फाजिंस का जो हमने यहाँ पर स्टडी किया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।